और उसके बाद फिर जो फिफ्थ मेंबर थे उनके पास आ गया, तो उन्होंने मुझसे नारी मुक्ति आंदोलन के बारे में पूछा, तो वो उन्होंने प्रॉपर पूछा। और मतलब मेनली मेरा जो इंटरव्यू था वो महिलाओं से रिलेटेड ही था, एकदम बेसिक, मतलब मुझे जो लगता है बेसिक होगा। और उसके बाद थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बस वहाँ जाके घबराना नहीं है। मतलब मैंने मेरी जो पूरी प्रिपरेशन है वो यूट्यूब से ही की है, किसी कोचिंग से नहीं की है, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब सफिशियंट है। बाकी फ्रेमिंग में बना के, क्योंकि इंट्रो बॉडी और फिर कंक्लूजन के आधार पर लिखा जाता है, सर मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो फिर प्रॉपर हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है, तो मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा इंटरव्यू तो। ओके मैम, अपना नाम बता दीजिए। अंशिता नागर। ये कौन सा अटेम्प्ट मैम आपका, और इंटरव्यू कौन सा है? फर्स्ट इंटरव्यू है और अटेम्प्ट थर्ड है। अच्छा, एंड मीडियम? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम। तो मैम आप जैसे ही पैनल के सामने एंटर करती हैं, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन था पैनल का, बोर्ड का? जो पैनल का रिएक्शन यही था कि आइए नागर जी आइए, बिल्कुल बैठिए। अच्छा। प्रॉपर तरीके से उन्होंने मुझे बिठाया, फिर प्रॉपर बोला कि मतलब कंफर्टेबल है या नहीं है, तो फिर मैंने कहा सर कंफर्टेबल हूँ मैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, बोर्ड मेंबर को अपना परिचय दीजिए। फिर मैंने प्रॉपर परिचय दिया, फिर सर ने जो बोर्ड मेंबर थे, चेयरमैन सर कोशी सर थे, तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा ओके, आप बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, ये कौन सा आपका अटेम्प्ट है और कितने अभी आपने मेंस दिए हुए हैं, ये उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद फिर नॉर्मली उन्होंने बस महिलाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया उन्होंने मुझसे, बहुत बहुत कम जानकारी ली। और उसके बाद फिर दूसरे बोर्ड मेंबर के पास आ गया, तो उन्होंने फिर मुझसे महिलाओं से रिलेटेड जो योजनाएं चल रही हैं वो बताया उन्होंने। फिर ये पूछा कि अच्छा लड़कियों की शिक्षा से रिलेटेड आप क्या करना चाहेंगी जो अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर मैंने उनको सर को बताया कि सर बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, दो तीन पॉइंट में मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने, फिर तीसरे मैम थी बोर्ड में, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, फर्स्टली उन्होंने ये पूछा था कि विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने लड़कियों के लिए कुछ काम किया है, तो आप वो स्पेशली बताइए। तो मुझे स्पेशली वो याद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उनको प्रॉपर सॉरी बोला, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि मी टू मूवमेंट चल रहा है हमारे यहाँ, और लड़कियों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा योजनाएं चल रही है, लड़कों के लिए बहुत कम चल रही हैं, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर, मैंने कहा मैम अभी ये समानता का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं, और जैसे ही ये कम्प्लीट हो जाता है फिर दोनों का हम लोग। फिर उन्होंने मुझसे महिला जो आरक्षण बिल आया है तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, और उसके बाद फिर जो फिफ्थ मेंबर थे उनके पास आ गया, तो उन्होंने मुझसे नारी मुक्ति आंदोलन के बारे में पूछा, तो वो उन्होंने प्रॉपर पूछा। और मतलब मेनली मेरा जो इंटरव्यू था वो महिलाओं से रिलेटेड ही था। और मतलब बहुत केवल एक जो सर थे उन्होंने मेरी हॉबी पे, मतलब मेन जो मेरी हॉबी है उस पे तो कोई गया ही नहीं, मंडल आर्ट पे चले गए थे वो। अच्छा, आपकी क्या हॉबी मैम? वॉलीबॉल है मेरी। अच्छा। तो मंडल आर्ट पे उन्होंने पूरा गया था कि मंडल आर्ट कैसे की जाती है और इसमें क्या सिमेट्रिकल पैटर्न होते हैं वगैरह वगैरह। तो आपने कहीं मेंशन किया था डेफ में मंडल आर्ट वगैरह? हाँ, मंडल आर्ट मैंने डाला था पेंटिंग और फिर ब्रैकेट में मंडल आर्ट डाला था। हाँ। अच्छा, तो पैनल की मैं बात करूँ, बोर्ड की, बोर्ड मेंबर्स ओवरऑल कॉर्डियल थे या किस तरह से उनका रिएक्शन था, उनका बिहेवियर? बहुत कॉर्डियल थे वो, बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे थे, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और मतलब बहुत इवन वो लोग आपको इतना ज़्यादा मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि बिल्कुल आप आराम से बैठ जाइए, अगर घबराहट हो रही हो तो पानी पी लीजिए, वो सारी चीज़ें। जैसा कि आज पहला दिन है आज इंटरव्यू का, तो जो अभी जो बच्चे आएंगे इंटरव्यू देने, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कि किस तरह के यहाँ सवाल जो पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से? एकदम बेसिक, मतलब मुझे जो लगता है बेसिक होगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बस वहाँ जाके घबराना नहीं है, अगर वहाँ घबरा गए तो जितना आता है वो सब भूल जाएंगे। बस इम्पॉर्टेंट यही है। मुझे तो मतलब बोर्ड मेंबर का मतलब अच्छा लगा, कॉर्डियल बिहेवियर था उनका सभी का। और मैम करंट अफेयर से किस तरह के सवाल थे आपसे, कैसे सवाल पूछे गए थे करंट अफेयर से? तो नॉर्मली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो यूएसए अभी जो राष्ट्रपति बने हैं ट्रम्प, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया पे क्या इफेक्ट हो सकता है उसका, तो फिर मैंने प्रॉपर तरीके से उनको बताया टैरिफ वगैरह इन सभी के बारे में। तो फिर ये चेयरमैन सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बाकी और नॉर्मली था और कुछ नहीं पूछा। आईआर से रिलेटेड इस तरह का कोई और भी सवाल था अगर आपको याद आ रहा हो तो?
या फिर सिर्फ यही यूएस इलेक्शन ट्रंप वगैरह इसी इर्द गिर्द घूमता रहा? हाँ, आईआर से तो मुझे अभी यही याद आ रहा है जी, और बाकी तो अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, एंड मैम आपने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए होंगे? आपने मॉक इंटरव्यूज? नहीं सर, मैंने ज्यादा मॉक इंटरव्यू नहीं दिए, एक आध दिया था प्रैक्टिस के तौर पर। हाँ, एक आध। तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको वहाँ पर जब मॉक इंटरव्यूज देने जाते हैं जो बच्चे, और यहाँ जब रियल इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हैं, तो किस तरह का डिफरेंस आपको नजर आया? सर, जहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं वो भी एकदम कोर्डियल ही थे, मतलब उन्होंने भी वैसे ही माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो सर मुझे तो सेम ही लगा दोनों तरफ। हाँ, और बाकी हाँ, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज बस ये है कि यहाँ आपको ऐसा लगता है क्योंकि मेन इंटरव्यू है, तो यहाँ हो सकता है कि कोई बच्चे मतलब थोड़ा बहुत घबरा जाए, बट कोई इशू नहीं है, वो लोग आपको बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। बहुत अच्छा था। ठीक है मैम, मैं आपका इंटरव्यू की बात हो गई, मैं आपकी प्रीलिम्स की थोड़ी सी स्ट्रेटजी और जानना चाहूँगा, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो आप चूंकि इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है ऑब्वियसली, तो आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपकी किस तरह की थी, आपने कौन कौन सी बुक वगैरह फॉलो करी, जरा बताइएगा हमारी ऑडियंस को। बुक्स वगैरह तो स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और बाकी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो तो कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से कवर हो जाता है, मतलब मैंने मेरी जो पूरी प्रिपरेशन है वो यूट्यूब से ही की है, किसी कोचिंग से नहीं की है, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब सफिशियंट है। बाकी हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स आपको होनी चाहिए, और एक आइडिया आपको होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब प्रॉपर जो एक होता है कि हर एक चीज हर एक लाइन वाइज सब रटना, वो तो मुझे नहीं लगता है कि पीएससी उस आधार पर क्वेश्चन पूछता है, बट हाँ ये मैम एक और चीज ये कि क्योंकि आजकल एआई चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह बहुत ज्यादा चलन में ट्रेंड में है, बच्चे उससे लेकर के तैयारी करते, तो क्या आपने उसको उसका यूज किया चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह का? सर वो तो अब जाके आए हैं, चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह तो अब आए हैं, हम लोग तब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब ये यूट्यूब आया ही हुआ था तब, तो सर मुझे तो नहीं पता है कि आज के टाइम में क्या कितना रिलीवेंट इन सब चीजों का, चैट जीपीटी वगैरह जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन सब के लिए कितना रिलीवेंट रहेगा ये? सर मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिलीवेंट है, क्योंकि जब हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट की थी तब ये सब था नहीं, तो हमने तैयारी एकदम बेसिक से और एक एक पॉइंट को पढ़ा था बुक्स वगैरह को, बट अब सबको मोबाइल पे हर एक चीज अवेलेबल हो गई है, तो वो घर बैठे भी अगर कोई गांव से भी होगा तो भी वो पढ़ सकता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ सकता है। करंट अफेयर का एक बड़ा पोर्शन होता है ऑब्वियसली, तो करंट अफेयर की तैयारी किस तरह से करी जाए, क्या कोई पर्टिकुलर मैगजीन ली जाए या फिर यूट्यूब वगैरह से, गूगल वगैरह से, वेबसाइट वगैरह से हो जाएगा, और आपने किस तरह से की? सर करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, जैसे एग्जाम पीडी आती है, तथ्यवांड आती है, उसके बाद स्पीडी आती है, और यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स डले होते हैं, कोई ना कोई मैराथन डाल ही देता है, तो बस वो देख के और करंट अफेयर्स। एमपी स्पेशल के लिए आपने क्या फॉलो किया था? एमपी स्पेशल के लिए तो मैंने सर मैंने प्रॉपर जो पढ़ाई है वो यूट्यूब से ही की है। अच्छा। मैंने वही किया है, बट अभी एक दो साल पहले परीक्षा धाम आई थी तो वो फिर मैंने फॉलो किया था उसी से। मैम एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपका जो मेंस की आंसर राइटिंग है, वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने किस तरह से की थी, आंसर राइटिंग की शुरुआत कब से करी थी आपने, क्या फर्स्ट डे से जब आपने सोचा कि भाई मुझे तैयारी करनी है और आंसर राइटिंग की शुरुआत करी, या फिर कुछ टाइम लेकर के कंटेंट अपने पास में लेकर के तब आपने मेंस की आंसर राइटिंग की शुरुआत करी थी? सर फर्स्ट डे से तो नहीं की थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता गया, और हमारा एक ग्रुप था तो सभी मिलके हम लोग आंसर राइटिंग करते थे, तो उससे थोड़ा आइडिया हो गया था कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां हैं, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने। क्या 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 अप्रोच फॉलो करनी चाहिए एक बढ़िया आंसर लिखने के लिए? सर बढ़िया आंसर लिखने के लिए तो मेरा तो एक ही लक्ष्य रहता था कि बस मैं क्वेश्चन समझ जाऊँ, अगर क्वेश्चन में समझ जाऊंगी तो फिर मैं प्रॉपर उसको एक फ्रेमिंग में बना के, क्योंकि इंट्रो बॉडी और फिर कंक्लूजन के आधार पर लिखा जाता है, सर मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो फिर प्रॉपर हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है तो टाइम का मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा जैसे धीरे धीरे आंसर लिखेंगे। यहाँ पर डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने चाहिए? जी सर, जैसे जो ज्योग्राफी होता है उसमें तो आप मतलब मैप वगैरह का यूज करना ही होता है, और बाकी जो नॉर्मल जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो कहीं कहीं पे आप उसमें फ्लो चार्ट वगैरह का यूज अगर करेंगे तो वो एग्जामिनर को ही अच्छा लगेगा, तो सर मुझे लगता है कि करना चाहिए। मैम लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनको क्या आपकी एडवाइस रहेगी, क्या सजेशन रहेगा, कहाँ से वो शुरुआत करें, क्या पीवाईक्यू से शुरुआत करें, सिलेबस को देखें, क्या करें वो? सर सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि सिलेबस आप लोग देखिए, सिलेबस को देखने के बाद आप सबसे पहले मेंस स्टार्ट कीजिए, मेंस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसमें जो भी जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, एमपी पूरा कंप्लीट करिए, देन फिर प्री स्टार्ट कीजिए। मेंस कंप्लीट करने के बाद अगर प्री पढ़ेंगे तो वो ज्यादा सुटेबल होगा, और जब आप प्री देंगे
तब आपका मेंस पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा। और अगर आपका प्री में सिलेक्शन हो जाता है तो मेंस में, क्योंकि 90 दिन मिलते हैं, तो 90 दिन के आधार पर वो कंप्लीट हो जाएगा। सर मुझे तो ऐसे लगता है कि पहले मेंस करिए फिर प्री करिए। ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम।